हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, आ चुके एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो ये वीडियो गाइस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी वीडियो आपके ऊपर डिपेंड है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। ये आप लोग ही मुझे बताओगे कमेंट में। एंड यार गाइस, बस मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मेरे पुशिंग से रिलेटेड। और मतलब ये टाउन हॉल 7 पुशिंग का, जो आपको पता ही गाइस, मैंने लेजेंड लीग हिट करने की कोशिश की एंड बहुत बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ कि यार अभी मेरे से ये क्लाउड्स नहीं सहन हो पा रहे। तो क्योंकि ना इतना टाइम लग जाता है ना बेस सर्च करने के लिए। आप देख सकते हो जैसे क्लैन गेम्स चल रहे हैं, तो वैसे बहुत लोगों को ये ऐसा हुआ रियलाइज़ हुआ होगा कि क्लाउड्स मतलब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सो गाइस ना अभी मैं तो सोच रही, तो मैंने तो एकदम कन्फर्म कर लिया है कि गाइस ये मैं टाउन हॉल 7 को अपग्रेड करूँगा, ठीक है। लेकिन ना ये आप लोग डिसाइड करो कि अगर आपको क्या लगता है। आप लोग जैसे देख सकते हो, मैंने एक्चुअली एक बात आपको बताता हूँ, मैंने अपना सारा डिफेंस लॉग और अटैक लॉग एकदम प्रॉपर मैंने नहीं दिखाया है, अपना जो टाउन हॉल 7 पुशिंग का इतना यहाँ तक पुश किया उतना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में सारे आपको डिटेल्स आपको बताऊंगा, देन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, मतलब अपग्रेड करने वाला हूँ मैं। लेकिन ना वो क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछता हूँ बाद में। सो गाइस ना डिफेंस आप लोग यहाँ पे देख लो, जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है डिफेंस, ये देखो डिफेंसेस की वजह से ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक तो बेस नहीं मिलता एंड ऊपर से डिफेंस इतने ज़्यादा जाते हैं ना, क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो गाइस यहाँ पे लास्ट डिफेंसेस, ये तो छोड़ो, ये वाले देख लो, 40, 59, 58, 59, 41 एंड ये फिर उसके बाद ना लगभग ठीक जा रहे डिफेंसेस। एंड ओ भाई साहब, नो वॉल्स क्लैन, क्या बात है, इस बंदे ने अटैक किया है क्या, क्या बात है यार, क्या सही बेस है। सो वैसे ये सब छोड़ो एंड गाइस क्या करने वाले उसके बाद अटैक्स, ठीक है, अटैक्स भी आपको बताता हूँ एंड देन हम लोग टाउन हॉल अपग्रेड करते, चलो कर दे क्या बाद में करते, फिर अपग्रेड करूँगा एंड देन आपको कमेंट में ये करना, ये बताना है कि मैं इसे कंप्लीट मतलब टाउन हॉल को अपग्रेड करूँ, टाउन हॉल 8 करूँ या फिर पुशिंग को कम्प्लीट करूँ, पहले लेजेंड करके फिर टाउन हॉल 8 करूँ, ठीक है। तो जो मतलब ना बंदे मैं पहले अटैक्स भी दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो मैंने टाउन हॉल 8 पर अटैक किया था एंड सारे रिप्लेस दिखाता हूँ लगभग जो अच्छे अच्छे हैं। सो क्योंकि मतलब जिन लोगों ने अब तक नहीं देखे, मतलब सारे अटैक लॉग मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया, इसलिए मैं ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, एंड तक देख लेना गाइस यहाँ पे वीडियो। एंड वैसे क्या है ना, टाउन हॉल तो अपग्रेड करूँगा, देन उसके बाद आपको ये कमेंट करना है कि मुझे बताना है कि इसे कंप्लीट होने दूँ या फिर इसे कैंसिल करूँ, पहले लेजेंड हिट करूँ देन टाउन हॉल अपग्रेड करूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये आप लोग कमेंट करना, देखते यार जो लोग मतलब जो बंदे ज़्यादा जो डिसीजन बताते हैं ना अपना खुद का, वो मैं करने वाला हूँ। अगर लोग बोलते कि हाँ पहले अपग्रेड कर ले, मतलब छोड़ दे पुशिंग, अपग्रेड कर दे उससे अच्छा, या फिर आप लोग बोलते हो कि ये क्लैन गेम्स खत्म होने के बाद एक और ट्राई देकर फिर उसके बाद लेजेंड हिट का ट्राई करना, क्योंकि आपको मेरे को भी पता है यार कि आप लोग भी मुझे देखना चाहते हो लेजेंड लीग पर। एंड फिर मतलब आपको भी ऐसा अंदर से लगता होगा कि हाँ यार सूरज भाई जल्दी से पहुँच जाए, लेजेंड हिट कर दे, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब लेजेंड लीग का बैच आपको पता है ना टाउन हॉल 7 पे कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये हो गया, ये एक अटैक था एंड देन उसके बाद ना गाइस और भी अटैक्स है, सारे आपको दिखाता हूँ जो मैंने किए हैं, देन आप लोग बताना, देन हम लोग अपग्रेड कर देंगे। ये वाला दिखाता हूँ, ये 11 ट्रॉफीज़ का कौन सा है, ये भी टाउन हॉल 8 है, क्या बात है। टाउन हॉल 8 तो वैसे बहुत सारे मतलब ये मिल रहे, लेकिन ना ये जो बेसिस मैंने आपको दिखाए ना, ये बहुत टाइम लगता है बेस मिलने के लिए। वो जो लाइव अटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं इतना टाइम तक वेट करता हूँ ना, फिर जाके बेस आता है, फिर मैं वो लाइव आपको दिखाता हूँ, लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा एकदम ना मेहनत ना सच बताता हूँ बहुत ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद गाइस ये वाला भी एक और रिप्ले है 20 ट्रॉफीज़ के लिए, ये वाला भी देख लो, ये वाला भी टाउन हॉल 8 है, क्या बात है यार, इतने अटैक लॉग में टाउन हॉल 8 भी पड़े। एंड फिर उसके बाद ना टाउन हॉल 9 का भी एक बेस है शायद से, उस पर मैं फेल हो चुका हूँ। एंड ये वाला बेस देख लो गाइस टाउन हॉल 8 का, इजी है 2 स्टार के लिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ओके। अगर आप कर रहे हो ना पुशिंग, तो आप लोग ऐसा क्विट मत करो, अगर आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट टाइम है तो आप लोग करो पुशिंग, ऐसा कोई ये बात नहीं, ये नहीं है। एंड सो गाइस ये वाला भी अटैक मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, बस प्रॉपर फनल करना है। एंड ड्रैगन्स तो आपको पता ही है कि जहाँ मन मर्जी हो वहाँ पर वो चले जाते हैं। वैसे यार मुझे पता है यार, ये जब मैंने पुशिंग स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास शायद से 5 से 6 हज़ार जेम्स थे, लेकिन अभी मैं सीधा 2000 जेम्स तक आ चुका हूँ। जैसे डिफेंस आने का टाइम होता था शील्ड लगा देता हूँ, फिर उसके बाद और भी अटैक करके, ऐसा मतलब मन ही नहीं करता था कि डिफेंस लूँ। ओके सो ये वाला भी हो गया गाइस अटैक। एंड देन और कौन सा देखना है आपको, और ये और कौन सा दिखा देता हूँ,
हाँ चलो ये फेल वाला दिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग कर देंगे टाउन हॉल अपग्रेड। ओके सो गाइस ये वाला देख लो, टाउन हॉल 9 का बेस। एंड यार टाउन हॉल 9 वाले पुशर स्क्वायर में ये लेजेंड बेस था लेकिन इस पे फेल हो गया यार। उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता, ये वाला बेस मत रखो, सीरियसली मत रखो यार, इतना मतलब ना हार्ड होता है ना इस पे अटैक करने के लिए। मैं खुद फेल हो चुका हूँ, कभी कभी हो जाता है यार लकीली, लेकिन ये आप लोग देख लेना कि इसके सीसी में से क्या आता है। वो इतना मुझे तंग करता है ना सच में, उसका मैंने एक अलग से नाम भी दिया है, तो पहले आ जाने दो उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे अटैक तो वैसे मतलब प्रॉपर मैंने ट्राई किया था पहले मिनियंस एंड आर्चर्स से, फिर अभी ये देखो किंग डाल दिया। एंड थोड़ा फास्ट में देखते हैं 4x में। एंड चलो ये देख लो यहाँ पे देखो, मैंने लून्स डाले एंड देन आ चुका नीला गेंडा, आपको पता ही है। सो यार ये इतना तंग करता है ना कसम से, क्या ही बताऊँ। कम से कम ना मेरे 2 ड्रैगन्स तो आराम से ये खा लेता है। ये देखो यहाँ पे मैं रेड स्पेल डालने के बाद देखा आपने, दो ड्रैगन्स को ले गया, फिर उसके बाद बचा क्या है, और 2 ड्रैगन्स बचे, फिर शायद एक रेड स्पेल, नहीं यार रेड स्पेल भी नहीं बची, वो भी मैंने यूज़ कर दिया और इसी के चलते अटैक फेल हो चुका। वैसे अगर इसको इस इधर उधर घुमाते रहेंगे ना इलेक्ट्रो ड्रैगन को तो अब बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 ड्रैगन तो लेके ही जाएगा अगर आप उस पर रेड स्पेल डाल के भी अगर उसे मारने की कोशिश करते हो तो भी, तो आपके ऊपर जैसे आप लोग करो। फिर इसके बाद गाइस ये देखो 47%। एंड देन फाइनली गाइस अभी हम लोग कर देते हैं अपग्रेड पे। तो ये था मेरी पूरी जर्नी अटैक्स एंड डिफेंसेस एंड ऑल। तो आप लोग ये डिसाइड करो कि गाइस मुझे क्या करना चाहिए। ये गया यहाँ पे फाइनली अपग्रेड एंड यहाँ पे थ्री डेज का टाइम है। सो देखते गाइस यार जितने ज़्यादा कमेंट्स आते ना कि अपग्रेड करने दूँ या फिर रहने दूँ। ये देखो यहाँ पे गाइस मतलब ज़्यादा क्लोज है यार हम लोग, इतना भी नहीं, कम से कम ना 200 कितना चाहिए, 218 ट्रॉफीज चाहिए ना शायद हमको, और हाँ हाँ राइट मे भी उतना ही। तो क्या बोलते हो गाइस यार, आप लोग बताना कमेंट में कि इसे डाउन हॉल अपग्रेड हो जाने दूँ या फिर इसे कैंसिल करके लेजेंड लीग हिट करने के बाद इसे अपग्रेड करूँ, आपके ऊपर है गाइस। एंड बस गाइस एंड करते हैं वीडियो, यहीं पर रैपअप करते हैं। लाइक कर दो गाइस जिन लोगों ने अब तक नहीं किया, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बस 15,000 सब्सक्राइबर्स और भाई क्या वेट कर रहे हो यार, 15,000 सब्सक्राइबर्स फिर 1,00,000 हो जाएंगे, मज़ा आएगा बहुत, कर दो। फिर मिलते गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। ओ सॉरी बेल आइकन दबाओ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद ऑल का भी ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक करना।